बज गई है, तो अपनी सर्विस होकर निकल चुकी है बाहर। तो जुपिटर का 35 और आज एक नए व्लॉग में। तो आज आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसा व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, तो रीज़न ये है कि यार आज गाड़ी की सर्विस करवाने आए हैं। ये एक पहलादपुर में होंडा का सर्विस सेंटर है, और अभी मैं अपनी एक्टिवा और गोलू भाई की होंडा सर्विस करवाना है। उसका ब्रेक वगैरह सब बेकार हो गया है, फिर चेंज करवाना है। ये देख लो होंडा का सर्विस सेंटर, गोलू भाई की बाइक चढ़ा दी ऊपर फुल। तो इसमें दिक्कत हो रही है काफ़ी, ब्रेक आवाज़ कर रहे हैं, हैंडल थोड़ा भारी भारी से लग रहा है। तो अभी गाड़ी की चेकिंग चल रही है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं प्रहलादपुर वाले सर्विस सेंटर वाले। बाकी आगे आप आराम से बैठ सकते हो, अंदर कुछ भी कर सकते हो। आगे सर्विस बिलिंग काउंटर रिसेप्शनिस्ट सब बने हुए हैं यहाँ पे टूल्स। तो ये रहा इनका कमरा जहाँ पे कस्टमर आराम से बैठा रहता है, बोलो भाई बैठा हुआ है। तो ये अपनी एक्टिवा, इसका वाइजर टूट गया था शायद, तो अब चेंज करा रहे हैं अपन। और सीट कवर भी एक नया चेंज कर लेंगे, देखते हैं। और तो बड़ी बेकार हो रही है। तो ये भाई है, तो ये लाइट वगैरह चेंज कर रहा है, और देखो बुरी तरह टूट गया यार वाइजर इसका। टूट गया था तो आवाज़ चलने लग गई बहुत ज़्यादा, वरना वाइजर तो नया ही था। तो भाई जल्दी ठीक कर देगा और फिर निकलते हैं घर के लिए यार, काफ़ी धूप हो रही है। और इनकी तो बात क्या ही करना, एकदम अच्छी सर्विस देते हैं होंडा वाले। तो आप जैसे होंडा का ये सर्विस सेंटर है, तो इसके बाहर ना आपको आपको जैसे लोकल चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपका मड़गार्ड हो गया, यहाँ पे अवेलेबल होता नहीं है क्योंकि ये सर्विस सेंटर है ओनली। तो उसके बाद जैसे बहुत सारी शॉपें हैं, तो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो, सस्ते में आता है। वाइज़र लग ही गया है, अब से मिरर्स लगाने हैं, बाकी तो काम हो ही गया है। और एक सोच रहा हूँ सीट कवर चेंज करवा लूँ, तो अभी सीट कवर पुराना हो गया तो वो भी चेंज करवा ही लेते हैं। बाकी ये सारी गाड़ियाँ हैं जो सेल्स पे हैं, इसका रेट शायद 25,000 बता रहे थे भैया। और इसका मैंने पूछा नहीं, उस जुपिटर का 35, तो यार काफ़ी मिंट कंडीशन में, जुपिटर काफ़ी अच्छी है, चली भी कम है 25-30 के आसपास, और एक स्क्रैच तो बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ओके है, रेडी टू यूज़ है। तो किसी को ख़रीदना हो तो भाई प्रहलादपुर में शॉप है महादेव ऑटो पार्ट्स, तो आप यहाँ के आ ख़रीद सकते हो, इनकी सर्विस भी अच्छी है, तो आ सकते हो। फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है, तो अपनी सर्विस होके निकल चुकी है बाहर, शाइन मार रही है। तो अब चलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया, घर चलते हैं। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।